आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक टाइप्स ऑफ स्विच के ऊपर है, मतलब कि स्विच हमारे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन मुख्य तौर पे हमारे इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू के हिसाब से है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू के अंदर स्विच से जुड़े काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसमें से एक मुख्य सवाल है कि आखिर स्विच हमारे कितने प्रकार के होते हैं। वैसे दोस्तों अगर मैं आपको इलेक्ट्रिकल स्विच के टाइप्स बताऊं तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हो जाते हैं हमारे मैकेनिकल स्विच और सेकेंड हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या है, तो इनमें सिंपल सा अंतर है। जितने भी स्विच आप मार्केट में देखते हैं, अगर आपको उसे ऑपरेट करने के लिए, मतलब उसे बंद चालू करने के लिए, उसे जाके प्रेस करना पड़ता है, मतलब कि आपको जाके इसे फिजिकली छूना पड़ता है, अपने हाथ से टच करना पड़ता है, उस टाइप के स्विच को हम मैकेनिकल स्विच बोलते हैं। लेकिन ऐसे स्विच जिसे हम बिना छुए, बिना फिजिकल टच किए भी ऑपरेट कर सकते हैं, वह हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मुख्य तौर पर मैकेनिकल स्विच की बात करेंगे और मैकेनिकल स्विच के अंदर उन सभी स्विच की बात करेंगे जो हमारे हाउस वायरिंग में उपयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि इससे जुड़े इलेक्ट्रिशियन से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट घर में उपयोग होने वाले स्विच के टाइप्स की बात करें तो ये मुख्य तौर पे 5 से 6 टाइप्स के हो जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्विच होता है वह होता है हमारा बेड स्विच। आखिर ये बेड स्विच दिखता कैसे है, तो उसे आप जनरली इस इमेज में देख सकते हैं। काफी सिंपल सी चीज है दोस्तों। हमारे स्विच बोर्ड के अंदर जो स्विच लगे होते हैं वो हमारा एक नॉर्मल स्विच होता है, जिसे हम बोर्ड स्विच के नाम से भी जानते हैं। तो सेम वही चीज हमारी बेड स्विच भी होती है, लेकिन यह जो बेड स्विच होता है, यह बेड स्विच इस हिसाब से बनाया गया है कि किसी जगह पर अगर बोर्ड नहीं लग रहा है और हमें अगर उस जगह से किसी भी उपकरण को बंद चालू करना है, तो उसके लिए ये हमारा स्विच बना दिया गया है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसे पूरा पीछे से प्रोटेक्ट कर लिया जाता है ताकि किसी को करंट ना लगे, और उसके बाद में इस स्विच की मदद से हम किसी भी उपकरण की वायरिंग करके आसानी से इसे कहीं पे भी लगा के ऑपरेट कर सकते हैं। बेड स्विच के बाद में दोस्तों हमारा सेकंड नंबर पे स्विच आ जाता है, वो आ जाता है हमारा बोर्ड स्विच। अब आखिरकार ये बोर्ड स्विच क्या है, तो दोस्तों आपको जो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड पर हमारे जो स्विच लग रहे हैं, जो हमारे 6 एम्पीयर के स्विच, इसी स्विच को ही हम बोर्ड स्विच बोलते हैं। वैसे आपको हर जगह बोर्ड स्विच सुनने को नहीं मिलेगा, इसे हम जनरली स्विच ही बोलते हैं। लेकिन जब कभी हम बेड स्विच और इस स्विच में अंतर की बात करते हैं, तो इस समय हम इस स्विच को बोर्ड स्विच के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे इस स्विच को हम बेड स्विच के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारा बेल स्विच आ जाता है। ये बेल स्विच क्या होता है, तो ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। यह जो बेल स्विच होते हैं, ये कुछ इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं, जब तक आप इस बेल स्विच को दबा के रखते हैं, मतलब आप इसे प्रेस करके रखते हैं, तब तक कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। जैसे आप इस स्विच को छोड़ देंगे, वैसे ही अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा और हमारी जो सप्लाई दूसरी जगह मिल रही थी वो हमको मिलना बंद हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यह जो आपको बेल स्विच दिख रहा है, यह बेल स्विच भी हमारे बेडवे टाइप में भी आते हैं, मतलब कि यह जो आपको बेल स्विच दिख रहा है, इसे तो आपको बोर्ड में लगाना होगा, यहाँ पे आपको स्क्रू लगाने के लिए भी जगह दी गई है, जबकि आप यह एक और स्विच देख रहे हैं, यह हमारा बेल स्विच ही है, लेकिन यह जो बेल स्विच है यह हमारा बेड टाइप का स्विच है, मतलब कि इस स्विच को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसको लगाने के लिए आपको बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में दोस्तों हमारे पास में दो स्विच बच जाते हैं। इसमें फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा मॉड्यूलर स्विच। अब आखिरकार ये मॉड्यूलर स्विच क्या है, तो दोस्तों मॉड्यूलर स्विच सिंपल सी बात है, चाहे आप बेल स्विच की बात करो, चाहे हमारे ये बोर्ड स्विच है, इस बोर्ड स्विच की बात करो, इन सभी स्विच को ही थोड़ा फैंसी लुक में बदल कर इसे मॉड्यूलर स्विच बोलने लग गए। लेकिन साथ ही साथ मॉड्यूलर स्विच में एक और बात ये आ जाती है, हमारे जो नॉर्मल ये जो बोर्ड स्विच होते हैं, ये हमारे जनरली 6 एम्पीयर के आते हैं नॉर्मल, और अगर हम पावर सॉकेट की बात करें, हम हीटर चलाना चाहते हैं, प्रेस चलाना चाहते हैं, तो उस समय हम पावर सॉकेट को लगाते हैं, तो उस समय वह हमारा 16 एम्पीयर का आता है। जबकि अगर हम इस तरीके के मॉड्यूलर स्विच की बात करेंगे, तो ये जो मॉड्यूलर स्विच होते हैं, यह जनरली आपको 10 एम्पीयर के देखने को मिलेंगे। इस 10 एम्पीयर के बाद में आपको ये 20 एम्पीयर के देखने को मिलते हैं, इसके बाद में 32 एम्पीयर, 40 एम्पीयर और 60 एम्पीयर, इस तरीके से ये हैवी रेंज में भी आते हैं। जबकि हमारे जो नॉर्मल स्विच आते थे, इसकी लिमिट होती थी जो कि 16 एम्पीयर तक ही रहती थी। इसके अलावा दोस्तों एक और फायदा हमें मॉड्यूलर स्विच में ये भी मिल जाता है, अगर हमारा पुराना मॉड्यूलर स्विच खराब हो गया है और उसकी जगह अब हम हैवी मॉड्यूलर ज्यादा एम्पीयर के मॉड्यूलर स्विच को लगाना चाहते हैं, तो वह हमारे इसी बोर्ड में लग जाएगा। लेकिन अगर हम इस पुराने टाइप के बोर्ड की बात करें, तो यहाँ पर अगर हमें 16 एम्पीयर वाले सॉकेट को लगाना होता था, 16 एम्पीयर वाले स्विच को लगाना होता था, तो उस समय हमें बोर्ड ही चेंज करना होता था। उस स्विच की जो शेप होती है, उस स्विच की जो साइज होती है, वो हमारे स्विच से बड़ी होती है। लेकिन मॉड्यूलर के केस में ऐसा नहीं है, मॉड्यूलर के केस में हमारे लगभग सभी की जो साइज होती है वो सेम ही होती है और सभी शीट के अंदर वो सेट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमारा आखिरी एक और स्विच बच जाता है, जो कि हमारा टू वे स्विच। अब आखिरकार ये टू वे स्विच क्या होता है, तो दोस्तों टू
टू वे स्विच सिंपल सी बात है, इसके नाम से हमें पता चल जाता है। ये टू वे स्विच का हम उस जगह उपयोग करते हैं जब हमें हमारे किसी भी एक उपकरण को, जैसे कि हमारा एक लैंप है, इस लैंप को मैं हमारे दो जगह से ऑपरेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से भी इसको बंद चालू कर सकूँ और मैं चाहूँ तो इधर से भी इसको बंद चालू कर सकूँ। तो इस तरीके के काम करने के लिए हम टू वे स्विच का उपयोग करते हैं। अगर आप टू वे स्विच को प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो वह आप इस इमेज में देख सकते हो। इस इमेज के अंदर यह दोनों जो स्विच है ये हमारे टू वे ही स्विच है, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग स्टेयर वायरिंग में किया जाता है। मतलब कि हमारी जो सिड्डी की वायरिंग होती है उस सिड्डी की वायरिंग में टू वे स्विच का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति फील एक्सप्लोर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्विस पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।